चैनल मेरा नाम है शालू, आप देख रहे हो की ब्यूटी एंड स्टाइलिंग। सो गाइस, जैसा कि आपको टाइटल देखे समझ आ गया है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक ऐसी होम रेमेडी जो कि आपके अगर ग्रे हेयर हो चुके हैं तो उनको बिल्कुल ब्लैक कर देगी। आप इसको रेगुलरली यूज करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो गाइज, अगर आपके टाइम से पहले अगर ग्रे हेयर हो चुके हैं या आपकी एज हो चुकी है ग्रे हेयर होने की, तो आप जरूर इसको एक बार ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इवन ये एक नेचुरल तरीका है। अगर आप बाजार वाली डाई वगैरह यूज करते हो तो आपके बालों को डैमेज कर देती है, बट आज जो मैं होम रेमेडी बताने वाली हूँ आपके ग्रे हेयर को ब्लैक तो करेगी ही, साथ में आपके बालों को शाइनी और स्मूथ भी बनाएगी। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो, अभी मैंने इस होम रेमेडी को यूज किया और मेरे बालों की शाइन आप अभी देख सकते हो, और उसके बाद सिल्की भी हो गए हैं बहुत ही ज्यादा। तो मैं ये आपको खुद अपने स्कैल्प के ऊपर जो है अप्लाई करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। रिजल्ट आपको ज्यादा तो नहीं दिखेंगे, इसका रीजन ये है क्योंकि मुझे एक दो ग्रे हेयर ही है, वो आपको पता नहीं शो होंगे कि नहीं कैमरे के ऊपर, क्योंकि लाइटिंग की वजह से कई बार शो नहीं होते हैं, तो आप देख सकते हो। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हो इतने ज्यादा शाइनी हेयर, सिल्की स्मूथ हेयर, तो इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करना, क्योंकि आपके ग्रे हेयर को ब्लैक तो करता ही है, साथ में आपके बालों को शाइनी भी बनाएगा। सो गाइज, आज की होम रेमेडी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पुष्प की हीना मेहंदी, कोई भी हीना मेहंदी आप ले सकते हो। सो गाइज, बहुत ही अच्छी रहती है हीना मेहंदी आपके हेयर्स के लिए। उसके बाद आपको लेनी है एक आयरन की कढ़ाई, यानी कि लोहे की कढ़ाई आपको लेनी है। अगर आपको अपने नेचुरल ब्लैक हेयर चाहिए हैं तो आपको इसको मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में ही भिगोना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे मेहंदी मैं कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। मेहंदी को अच्छे से आपको डाल लेना है, पूरा एक पैकेट आपका लग जाएगा। ये वाला पैकेट आता है सिर्फ 10 रुपये का, तो हीना मेहंदी का ये वाला पैकेट आप ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ जाएगा, आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है आंवला, रीठा और सिकाकाई का पाउडर, ये भी आपको आराम से किराना स्टोर पर मिल जाएगा। ये पाउडर बेस में आपको मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही स्टोर रखा हुआ था, तो उसी को मैंने अभी यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो गाइज, जब भी आप इसको मिक्स करोगे आपको धीरे धीरे पानी डालना है। अगर आप एकदम से डाल दोगे तो बहुत ही ज़्यादा पतला पेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे धीरे धीरे मैंने पानी को ऐड कर लिया है, देन उसके बाद मिक्स कर रही हूँ। सो गाइज, जब भी आप इसको भिगो के रखोगे तो आपको इसको एक रात पहले भिगो के रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको रखना है ताकि ये बिल्कुल सूखे ना। देन गाइज, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको लोहे की कढ़ाई में भिगो के रखा था, तो इसका एकदम से ब्लैक कलर हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ। गाइज, आप बाहर का बाजार का भी यूज़ कर सकते हो एलोवेरा, लेकिन घर के एलोवेरा जैसी बात बाजार वाले में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जब भी मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए खासकर, तो मैं घर वाला एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कट करके और थोड़ा सा ऐसे मैश करके इसके अंदर डाल लिया है। आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल के इसको मैश कर सकते हो और उसके अंदर डाल सकते हो। सो यहाँ नाइफ की हेल्प से मैंने इसको डाल लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं डाल रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपके बाल नेचुरल ब्लैक तो हो ही, साथ साथ वो हेल्दी भी हो और शाइनी भी हो, तो ज़रूर विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आपके नेचुरल ब्लैक हेयर इस डाई से वैसे भी हो जाएंगे। सो अब मैं इसको अपने बालों में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो यहाँ पे कुछ पीछे मेरे 2-4 बाल जो हैं वाइट हो जाते हैं, उसके अलावा मेरे फ्रंट में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2-4 बाल जो हैं वाइट हो जाते हैं। लाइटिंग की वजह से गाइस शो नहीं हो रहे हैं, बट मेरे वाइट हेयर हो जाते हैं यार, 3-4 बाल ऐसे आगे की साइड और कुछ पीछे की साइड, इस तरह से मेरे वाइट हेयर हो जाते हैं। देन उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाली डाई, और अच्छे से अप्लाई हम इसको कर लेंगे अपने पूरे स्कैल्प के अंदर। सो गाइज, मेहंदी लगाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप किसी और से लगवाते हो तो वैसे ही सिंपल हो जाता है, लेकिन अगर आप खुद से लगा रहे हो, अगर आपको अच्छे से डाई लगाना नहीं आता है, तो इस तरीके को आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने बालों का पार्टीशन करके धीरे धीरे, मतलब एक साइड से आपको पार्टीशन लेना स्टार्ट करना है और धीरे धीरे पूरे स्कैल्प में इस तरह से लगा लेना है। तो पूरे स्कैल्प में मैं थोड़ा थोड़ा पार्टीशन करके पूरे स्कैल्प में मैं इस तरह से ये मेहंदी लगा लूँगी, अपनी डाई लगा लूँगी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने पूरे स्कैल्प में इसको अप्लाई कर लिया है। उसके बाद पीछे क्लचर से मैंने अपने सारे बालों को बांध लिया है। थोड़ा बहुत और रह जाएगा तो मैं इसको अपने ब्रश कैन से ऊपर से लगा लूँगी। सो इस तरह से आपको अप्लाई करना है मेहंदी को।
सो इसको ड्राई होने में कम से कम 20 से 25 मिनट या फिर हाफ आवर भी लग सकता है। तो ऐसे लगाने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी, देन हेयर वॉश कर लूंगी, उसके बाद मैं अपने बालों का रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको मेरी होम रेमेडी? अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली जो आपको होम रेमेडी मैंने आपको बताई है, आप सोच रहे होगे आपके तो इतने ज्यादा ग्रे हेयर नहीं है, हमें कोई खास रिजल्ट नहीं दिखा। मुझे पता है काफी लोग कमेंट बॉक्स में भी बोल देंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली जो होम रेमेडी है मेरी मम्मा खुद यूज करती है, उनके ग्रे हेयर हो जाते हैं, तो वो इसी वाली होम रेमेडी को यूज करके अपने बालों को नेचुरली ब्लैक करती है। सो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। वैसे भी एलोवेरा और आंवला रीठा शिकाकाई वैसे भी आपके बालों को लेंथ देता है, आपके बालों को बढ़ाता है, उसके अलावा बालों को हमेशा ही ब्लैक रखता है। सो गाइज, अगर आप इसके अलावा कोई हेयर ऑयल भी मुझसे जानना चाहते हो, अगर आप परमानेंट कोई हेयर ऑयल यूज करना चाहते हो, तो आप जो है नारियल का कोई भी, किसी भी ब्रांड का कोई भी नारियल तेल यूज कर सकते हो। नारियल का तेल अगर आप परमानेंट यूज करते हो तो आपके जो बाल हैं वो हमेशा ही ब्लैक रहते हैं। सो गाइज, आप इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करना, ये 100% वर्क करती है। और इवन आप मेरे रिजल्ट देख सकते हो गाइज, कितने ज्यादा सिल्की स्मूथ हेयर हो चुके हैं। गाइज, इसको यूज करने से पहले आप कभी मत भूलना कि एक बार हेयर वॉश आप पहले कर लो, देन उसके बाद आप इसको अप्लाई करने के बाद दोबारा से आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। इसलिए जो है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा। सो गाइज, ये थी आज की होम रेमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप इस तरह की होम रेमेडीज और देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना गाइज, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज।